इस समय मैं सिरसा जिले के सिकंदरपुर एग्रीकल्चर फार्म में हूं। इस फार्म की स्थापना स्वर्गीय राणा रणवीर सिंह ग्रेवाल जी के द्वारा की गई थी और पूसा संस्थान के साथ करीब 4 दशकों से जुड़े हुए हैं। संस्थान के द्वारा विकसित जो प्रजातियां हैं उनको हरियाणा में और पंजाब में भी फैलाने में इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ उनके सुपुत्र रणदीप जी हैं और इस बार जैसा कि किसान भाई आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बासमती की 2 हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में विकसित की थी, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979। इनकी खासियत है कि इसमें इमिडाथापिर हर्बिसाइड दवा जो है उसके प्रति रोधक क्षमता है और ये सारे खरपतवार को मार डालती है। तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार की बहुत समस्या आती है। ये दोनों किस्में विशेष रूप से धान की सीधी बिजाई के लिए विकसित की गई हैं और इस धान की सीधी बिजाई से जहां ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आती है, श्रमिकों के ऊपर जो लागत आती है उसमें कमी आती है, साथ ही साथ पानी की बचत होती है। यहां पर पूसा बासमती 1979 का खेत है जो 1121 का सुधार करके बनाई गई है। आइए रणदीप जी से जानते हैं कि ये इनका क्या अनुभव इस किस्म के बारे में रहा है। तो रणदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो धान की सीधी बिजाई आपने 1979 की है, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? बहुत अच्छी है और मेंटेनेंस बहुत ही मिनिमल है जी, और घास बड़ा अच्छा कंट्रोल हुआ है इमिडाथापिर से। तो कितने दिन बाद आपने स्प्रे किया था इसमें? ये 20 दिन बाद और फिर दुआई के और उसके बाद 15 दिन बाद। 15 दिन बाद दोबारा आपको स्प्रे करना पड़ा, कुछ खरपतवार ज्यादा तेज वेस्ट करना पड़ा जी। तो अभी जो मैं खेत में देख पा रहा हूँ इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हुआ, कोई खरपतवार कहीं नहीं, और खासकर इन पौधों में फुटाव भी हुआ है। और एक बात जो विशेष रूप से मैं धान की सीधी बिजाई आपने की है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसमें कतार से कतार की दूरी तो बरकरार है, उसके साथ ही साथ पौधे से पौधे की दूरी भी बराबर बनी हुई है, करीब करीब 15 सेंटीमीटर। ये कैसे आप कर पाए, क्योंकि सीड्रिल से जब बुआई करते हैं तो लगातार बीज गिरता है, इसमें पौधे से पौधे की दूरी आपने कैसे बरकरार रखी है? ये हमने एक स्पेशल सीड ड्रिल बनाई थी जी, सो 2-3 जगह से आइडियाज लेके एक प्रोटोटाइप बनाया है, तो उससे हम अपना सारा DSR की बुआई करते हैं। कितने क्षेत्रफल में आपने DSR किया हुआ है धान का इस बार? इस बार लगभग 40-50 एकड़ में जी। चलिए, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये परफॉर्मेंस यहाँ पर DSR कंडीशन में धान की सीधी बिजाई में 1979 काफी अच्छी देखने को मिल रही है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आगे से अगर पानी की बचत करनी है और अगली पीढ़ी को अच्छी जमीन अच्छी जलवायु आपको देना है तो धान की सीधी बिजाई के ऊपर आइए, धान की रोपाई छोड़कर के, इससे पानी की बचत होगी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और जो रोपाई के लिए श्रमिक लगते थे और दिन पर दिन श्रमिकों की समस्या बढ़ती जा रही है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।